फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 क्लास 8 मैथ से क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन हमारा सिंपलीफाई। एक्स स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट स्टार्ट एक्स प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 25। हमें इसको सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन बनाना है। एक्स का स्क्वायर माइनस 5 है और एक्स प्लस 5 है, ये यहाँ पे दोनों बाइनोमियल हैं। तो यहाँ पे हम पहले लेंगे x का स्क्वायर को और इसको हम x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हम माइनस 5 लेंगे और उसको हम x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा हमारा x का स्क्वायर x x का क्यूब प्लस 5 इंटू x का स्क्वायर 5x का स्क्वायर x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 5x का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स 5x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो माइनस आ जाएगा 5 इंटू 5 25 प्लस 25 25 यहाँ पे माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों कट जाएंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा, x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट है ए का स्क्वायर प्लस 5 बी का क्यूब प्लस 3 प्लस 5। ये दोनों बाइनोमियल हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे। ए का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे बी का क्यूब प्लस 3 से प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बी का क्यूब प्लस 3 से। ये हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर 3 ए का स्क्वायर प्लस 5 बी का क्यूब प्लस 5 इंटू 3 15 प्लस 5। ए का स्क्वायर बी का क्यूब एज इट इज़ रहेगा 3 ए का स्क्वायर प्लस 5 बी का क्यूब एज इट इज़ रहेगा। केवल यहाँ पे ये दो लाइक टर्म्स हैं, कांस्टेंट हैं, 15 प्लस 5 ये आ जाएगा हमारा 20। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, टी प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस। टी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे टी का स्क्वायर माइनस एस से, उसके बाद एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे टी का स्क्वायर माइनस एस से। टी इंटू टी का स्क्वायर टी का क्यूब माइनस टी इंटू एस टी एस प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो माइनस रहेगा, एस का स्क्वायर और एस एस का क्यूब। फोर्थ पार्ट है ए प्लस बी सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी सी प्लस डी प्लस टू ब्रैकेट स्टार्ट ए सी प्लस बी डी। यहाँ पे हमारे थ्री एक्सप्रेशंस हैं, इनको हमने पहले सॉल्व करना है उसके बाद हमने इनको ऐड करना है। ए प्लस बी सी माइनस डी, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी माइनस डी से, बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी माइनस डी से प्लस, यहाँ पे दोनों बाइनोमियल एक्सप्रेशंस हैं तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस डी से माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस डी से प्लस, यहाँ पे ये सिंगल एक्सप्रेशन है तो इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा टू ए सी प्लस टू बी डी। ए इंटू सी ए सी माइनस ए डी प्लस बी इंटू सी बी सी, ब्रैकेट के बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो माइनस आएगा बी इंटू डी बी डी प्लस ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी, ब्रैकेट के बाहर माइनस है बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो माइनस आ जाएगा माइनस बी डी प्लस टू ए सी प्लस टू बी डी। ए सी यहाँ पे एक प्लस का ए सी है और यहाँ पे भी एक प्लस का ए सी है और यहाँ पे भी टू ए सी प्लस का है तो ये हो जाएंगे हमारे फोर ए सी। ए डी यहाँ पे माइनस का है, ए डी यहाँ पे प्लस का है तो ये कट जाएंगे। बी सी यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है तो ये दोनों भी कट जाएंगे। एक बी डी यहाँ पे माइनस का है, एक बी डी यहाँ पे माइनस का है और टू बी डी यहाँ पे प्लस के हैं तो दो तो माइनस के हो गए बी डी और दो प्लस के हो गए
तो ये तो दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 4AC। फिफ्थ पार्ट करेंगे, एक्स प्लस वाई, टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस टू वाई एक्स माइनस वाई। तो पहले हम यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इनको प्लस करेंगे। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स प्लस वाई से, वाई को मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स प्लस वाई से, प्लस एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस वाई से, और टू वाई को मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस वाई से। एक्स इंटू टू एक्स, टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस टू एक्स इंटू वाई, टू एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स वाई प्लस टू वाई को मल्टीप्लाई किया एक्स से, टू एक्स वाई, ब्रैकेट के बाहर प्लस का है अंदर माइनस का है तो माइनस का आएगा साइन, टू वाई वाई, टू वाई का स्क्वायर, टू एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, ये यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं तो इनको हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा थ्री एक्स का स्क्वायर, प्लस का एक्स वाई है माइनस का एक्स वाई है तो दोनों कट जाएंगे, टू एक्स वाई, टू एक्स वाई, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों प्लस के हैं तो ऐड होके आ जाएगा फोर एक्स वाई। वाई यहाँ, वाई स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, माइनस के टू हैं प्लस का वन है तो क्या बचेगा, माइनस वाई का स्क्वायर। अब है इसका सिक्स्थ पार्ट, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे एक बाइनोमियल है और एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, तो पहले हम बाइनोमियल की दो टर्म्स को अलग अलग ट्राइनोमियल की ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस ट्राइनोमियल से, फिर उसके बाद वाई को माइनस करेंगे इस ट्राइनोमियल से। एक्स बैक स्टार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, और ब्रैकेट में आ जाएगा ट्राइनोमियल पूरा, एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स का क्यूब माइनस एक्स इंटू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू वाई का स्क्वायर, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और वाई, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई और वाई, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है तो कट जाएंगे, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है, कट जाएंगे चारों, क्या बच जाएगा हमारा, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। नेक्स्ट है हमारा सेवन्थ पार्ट, 1.5x माइनस 4y, सेकेंड एक्सप्रेशन दे रखा है 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। तो पहले यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से, 1.5x को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म्स से, 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4y को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म्स से, 1.5x प्लस 4y प्लस 3, और ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, 1.5 को मल्टीप्लाई किया 1.5 से तो ये आ गया 2.25x स्क्वायर प्लस 1.5x को मल्टीप्लाई किया 4y से तो ये आ जाएगा 6xy प्लस 1.5x को मल्टीप्लाई किया 3 से 4.5x माइनस 4y को किया 1.5x से तो ये आ जाएगा 6xy, ब्रैकेट के बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो साइन आएगा माइनस का, 4 इंटू 4 16, वाई इंटू वाई, वाई का स्क्वायर, अगेन माइनस का साइन आएगा, अंदर प्लस का है बाहर माइनस का तो माइनस का ही आएगा, 4y इंटू 3 12y माइनस 4.5x प्लस 12y।
सिक्स एक्स वाई यहाँ पर प्लस का है, सिक्स एक्स वाई यहाँ पर माइनस का कट जाएंगे। 4.5x प्लस का है, 4.5x माइनस का, ये भी कट जाएंगे। 12y माइनस का है, 12y यहाँ पे प्लस का है, तो ये भी कट जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारा 2.25x स्क्वायर और माइनस 16y स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ये दोनों ट्राइनोमियल हैं, इनके दोनों के अंदर थ्री थ्री टर्म्स हैं। तो पहले हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे इस ट्राइनोमियल से, उसके बाद बी को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और फिर उसके बाद सी को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ए को मल्टीप्लाई किया ए प्लस बी माइनस सी से, प्लस बी को मल्टीप्लाई किया ए प्लस बी माइनस सी से, प्लस सी को मल्टीप्लाई किया ए प्लस बी माइनस सी से। ये हो जाएगा a इंटू ए का स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर प्लस का है अंदर माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस बी सी प्लस सी इंटू ए ए सी, सी इंटू बी बी सी, ब्रैकेट के बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो माइनस का आएगा c इंटू सी सी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अब यहाँ पे ए सी माइनस का है और ए सी यहाँ पे एक प्लस का है, तो कट जाएंगे। ए बी यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा टू ए बी। बी सी एक माइनस का है एक प्लस का है, तो ये कट जाएंगे, माइनस में सी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में सी का स्क्वायर और प्लस टू ए बी, ए बी और ये ए बी टू ए बी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ एन आइडेंटिटी और स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। थैंक यू बच्चों।